गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है। आज है घर में कथा सत्यनारायण भगवान जी की। आज से शादी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कल हल्दी लगेगी भाई को, फिर उसके बाद मेहंदी, फिर शादी बारात मतलब। और आज मेरा व्लॉग शूट करेंगे ये बच्चे, पूरे दिन का व्लॉग आज ये बच्चे शूट करेंगे, क्योंकि काम में नहीं मिलता है। सारी अपडेट्स ये बच्चे देंगे। गुच्चू जो स्टार्ट हो गई है, अंदर देखता है उधर क्या हो रहा है। आओ पुष्पम माघ्रापयाम ओम श्री नवग्रह ओम श्री अंजनी पुत्राय नमः। मंदिर जाता था, ब्राह्मणों को धन दान देता था, भूखों को रोज भोजन करवाता था, गरीबों को वस्त्र दान दिया करता था। राजा इतना धर्मात्मा था कि रास्ता देख के चलता था, दुनिया आगे देख के चलता था और नीचे देख के चलता था कि मेरे पैर के नीचे कोई चिट्ठी धरती मर जाए। इतना धर्मात्मा राजा। लेकिन जब ग्रह की दशा खराब होती है ना, तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा ग्रह की दशा, यहाँ तक कि देवों के देव महादेव को भी नहीं छोड़ा। जब शनि की दशा महादेव की आई ना, तो महादेव जी के पास क्या शनि बताने के लिए? पहले जमाने में बता के आता था, आज जमाने में डायरेक्ट आ जाता है। सो गाइस, घर में बहुत चहल पहल हो रही है, ठीक है। और मम्मी जो है घर में मतलब कुछ हल्दी की तैयारी के साथ साथ जो है कुछ मतलब सेट वगैरह जो होते हैं हल्दी में पहनने के लिए वो सब लाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब के लिए हल्दी वाले सेट जो होते हैं वो आए हैं। और ये हमने अपने घर में खुद बनाए हैं, वो भी देख ले। तो ये मेरी मम्मी है जो कि ये सेट बना कर लेके आई है, और ये मोटी मम्मी से तो आप मिल ही चुके हो, और ये मनसा चाची हैं। चाची जी हाय करो। ये तो सूरजमुखी है, ये गर्भित है। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? Thank you.